राजनपुर कोर्ट मिठन में भी खवातीन के साथ ज्यादती के वाकया थम ना सके। शादीशुदा लड़की से गन पॉइंट पर चारों पांच नौजवानों की मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया। राजनपुर थाना कोट मिठन की हदूद में चारों पांच नौजवानों का लड़की के साथ गैंग रेप। मुलजिम गन पॉइंट पर लड़की को वैराने में ले गए। नौजवानों ने शराब के नशे में धत लड़की की इज्जत तार तार कर दी। पुलिस की बार वक्त कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। डीपीओ राजनपुर का वाकये का फौरी नोटिस। तफसीलात के मुताबिक कोट मिठन की रिहायशी सुमैरा बीबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपने शोहर के भांजे मोहम्मद बिलाल के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि पेट्रोल खत्म होने पर शोहर का भांजा पेट्रोल डलवाने गया तो मुझे सड़क किनारे खड़ा कर गया, जिस पर तैयब वल्दराना, मुख्तियार अहमद एडवोकेट, हमाद वल्दना मालूम, अहमद वल्द, शौकत अजीज, वल्द ताहिर ने पीछे से आकर पिस्तौल तान लिया और साथ चलने को कहा। गन पॉइंट पर साथ ले जाकर वैराने में बाअसर जमींदारू खावर वल्द अबैद खम्बू के डेरे पर ज्यादती का निशाना बनाया है। शराब के नशे में धत मुलजिमान ने मेरी इज्जत तार तार कर दी, मेरे साथ ज्यादती की और मेरे कपड़े भी पाड़े। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि डीएसपी सदर हाफिज गुलाम फरीद का कहना था कि लड़की का मेडिकल करवाकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एक मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लड़की के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए सरायकी न्यूज़ HD।